सर। हाँ तो मितांश बोल, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स पता है? हाँ या ना बोल, नहीं आता तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट बोल। लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बराबर, परफेक्ट। कौन से एलिमेंट्स हैं? विच आर द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड? आई संजना, डोंट नो हाँ बोल, मितांश बोल। सर, आई डोंट नो। यू डोंट नो, ओके। संजना, संजना यू दो आंसर, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। नो सर। निमेश, निमेश, ओके। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़े। कौन है और? जयेश, जयेश सुतार, जयेश। यस सर। हाँ, डू यू नो विच आर द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड? नहीं पता शायद। ठीक है, एक और को पूछते हैं, नहीं आता फिर मैं बताता हूँ। चलो, विल गो विद द निमिशा। निमिशा, सोडियम, विच आर द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। एक्सलेंट, वेरी गुड, करेक्ट। शी सेड द करेक्ट आंसर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये शॉर्ट फॉर्म। मितांश देखो, शॉर्ट राइट आंसर प्राची, मितांश और एवरीबडी देखो, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म लर्न करने बोला था। शॉर्ट फॉर्म को इंग्लिश में हम बोलते हैं मैमनोमिक्स। तो हाउ टू रिमेम्बर दिस? ना, मांग, अल, सी, पैसे, कल, और। ना मांग, आलसी, पैसे, कल, और, ऐसे। या फिर ना मांग, आलसी, पेप्सी, सोडा, कोला, और पेप्सी, सोडा, कोला, और। यू कैन रिमेंबर एनी वे एनी हाउ। मराठी में पढ़ना है तो नामदेव मगाशियाला, सीताला पड़वली, श्रीलंके कॉल आला, श्रीलंके वरुण कॉल आला, तस काय करू शकतात? दिस इज मीनिंगलेस, टोटल मीनिंगलेस, बट ओनली टू रिमेंबर इन सीरियल वाइज, ऑर्डर वाइज, क्योंकि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने देखा था, वी हैव स्टडीड, वी हैव टू रिमेंबर एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सब कुछ लर्न करना है ना। तो अगर आपको ऑर्डर याद है तो सब इजी हो जाएगा। अगर ऑर्डर ही उल्टा पुल्टा लिख दिया तो सब प्रॉपर्टीज उल्टी पुल्टी हो जाएगी। और इन ऑर्डर्स के बेसिस पे JEE एंड NEET में दो क्वेश्चंस आते हैं कंपलसरी, तो इसलिए आपको ऑर्डर वाइज लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लिथियम और मैग्नीशियम वो कैसे आमने सामने हैं? दे आर फॉर्मिंग अ डायगोनल। लिथियम एंड मैग्नीशियम आर फॉर्मिंग अ डायगोनल। सिमिलरली बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर फॉर्मिंग अ डायगोनल। सो द रिलेशनशिप बिटवीन सच डायगोनली अरेंज एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप बिटवीन सच डायगोनली अरेंज एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। दिस बोथ एलिमेंट्स लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हैविंग नियरली सेम एटॉमिक साइज, नियरली सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सच सिमिलैरिटीज बिटवीन डायगोनली अरेंज एलिमेंट्स इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। सिमिलरली बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम नियरली सेम एटॉमिक साइज, नियरली सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड सच रिलेशनशिप बिटवीन डायगोनली अरेंज एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है ना, समझ में आया? अब क्या क्या रिलेशनशिप है अभी ओरली बताता हूँ। आप लोग ने आई होप लिखा होगा लास्ट लेक्चर में आपके नोटबुक में, तो नोटबुक खोल के बैठो। नहीं लिखा होगा तो मेरे को ध्यान से सुनो आप लोग। सो लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, यहां पर इसके बाकी के मेंबर्स ली ना के रब से फरियाद। लिथियम सोडियम पोटेशियम
lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. These elements are of what? Group 1 elements. अभी जो lithium है, that forms monoxide. Lithium forms monoxide. Rest members do not forms monoxide. Magnesium again forms monoxides. Magnesium again forms monoxides. So what? Lithium or magnesium, both elements are diagonally arranged. Both forms what? Monoxides. Then lithium chloride is dehiscent in nature. Magnesium chloride is dehiscent in nature. Whereas chlorides of other alkali metals are not dehiscent in nature. Yes, Mitanksh, what do you mean by the word dehiscent? Mitanksh. Dehiscent. किसको पता है? Raise your hands. Omkar. किसे? हाँ बोलो हर्षदा गवली speak. Sir, they form hydride. They do not form aqueous solution. Excellent, sir. Very good answer. Perfect, Arshada. Correct. What? Lithium chloride and magnesium chloride are dehiscent in natures. That is, lithium chloride, when reacted with water, it will form hydrate. It will form what? Hydrate or magnesium. देखो, LiCl dot 2H2O हो जाएगा. And magnesium chloride क्या हो जाएगा? MgCl2 dot 8H2O. बट उसी जगह पर अगर हम सोडियम क्लोराइड लेंगे एंड वी रिएक्ट विद वाटर, तो बताया था सोडियम क्लोराइड मतलब कैसे याद रखना है, खाने का नमक, कॉमन सॉल्ट, अगर उसको पानी में डाला तो क्या हो जाएगा, वो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, इट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन. सो रेस्ट अल्कली मेटल्स आर नॉट डेलिसेंट, दे फॉर्म सॉल्यूशन, बट लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड वो आर नॉट डेलिसेंट इन नेचर. देन लिथियम ऑक्साइड, देन लिथियम लिथियम ऑक्साइड ऑन कंबशन फॉर्म्स लिथियम कार्बोनेट, और फिर वापस लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फॉर्म व्हाट? लिथियम ऑक्साइड एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड रेस्ट कार्बोनेट्स डू नॉट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड. Magnesium carbonate releases carbon dioxide. So these are some unique properties of lithium, which are do not match with the group. It's same group, but matches with the opposite member, that is diagonally arranged member. And hence such relationship is called as diagonal relationship. Clear? So एक मैंने बताया, एक आप लोग को बोलना है. चलो अभी beryllium और aluminium में क्या क्या similarity है, who will speak the answer? एक एक point बोलना है सबको, एक एक. चलो सबसे पहले हर्षदा को चांस देते, उसका आंसर दिया था ना. Okay, both are Lewis acid. Incomplete answer है, right answer, but both का क्या? Both का कौन सा compound? Beryllium is not a Lewis acid. Beryllium की compound Lewis acid है, कौन सा compound? Covalent. ना, what am I asking? Yes, Navesh correct. क्या chlorides? Beryllium chloride and aluminium chloride both are what? Lewis acids. Beryllium chlorides and aluminium chloride both are what? Lewis acids. Correct answer. And you all remember the word Lewis acid, I hope everybody. Sabko Lewis acid ka word yaad hai na, meaning? Yes. Okay. Then second property, come on. Second similarity kya hai dono mein? Dono Lewis acid, okay. Aur abhi second property kya hai? Bhul gaye. Covalent ka kuch bol rahe the na? कोवेलेंट वाला बोल रहे थे. कोवेलेंट बॉन्ड. हाँ, बोथ फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. करेक्ट है हर्षदा, करेक्ट आंसर है. बोथ एलिमेंट्स बेरिलियम एंड मैग्नीशियम बोथ फॉर्म्स व्हाट? को सॉरी बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम बोथ फॉर्म्स व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड्स. बिकॉज रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मेटल ना, मेटल है तो क्या बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं. बट बेरिलियम और एल्यूमिनियम कैसे बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. ठीक है, सेकंड थर्ड सिमिलरिटी क्या बताई थी दोनों में? बोथ आर एम्फोटेरिक. हाँ, पर ये वापस इनकम्प्लीट आंसर है.
बेरिलियम इज नॉट एम्फोटेरिक, बेरिलियम का कौन सा कंपाउंड? बेरिलियम ऑक्साइड. यस वेरी गुड, ऐसे बोलना. बेरिलियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड बोथ आर व्हाट? एम्फोटेरिक इन नेचर. ओके, यस, हु विल स्पीक द एम्फोटेरिक मीनिंग? सर, व्हिच हैव बेस एंड एसिड बोथ. बराबर है, व्हिच हैव बेसिक एंड एसिडिक नेचर बोथ. बोथ दे शो, रिएक्शन भी बताया था आपको मैंने, बोथ द एलिमेंट शोज बेसिक एंड एसिडिक प्रॉपर्टी. मितांश, क्लियर द टॉपिक? मितांश, हाँ या ना बोलवानों छे? मितांश तुम्हारे ना समझ में पड़ी तो पाछो बोलू. मितांश है कि गया घर पे? क्लियर है सर. क्लियर ना, वेरी गुड, चलो क्लियर है. तो आगे चलते अपने, इसमें आगे टॉपिक है, थोड़े से यूजेस है, वो यूजेस सिर्फ रीड करने हैं, तो वो लास्ट में लेंगे. हम चलते हैं उसके बाद वाला टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ सम कंपाउंड्स. हमको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ सम कंपाउंड्स. सोडियम के दो कंपाउंड्स पढ़ने हैं, एक कैल्शियम का पढ़ना है. तो पहले हम दो सोडियम के स्टार्ट करते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट? प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सोडियम मेटल्स. सो वेरी फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सोडियम मेटल इज, कॉमन नेम मैं बोलता हूं, आपको साइंटिफिक नेम बोलना है, वॉशिंग सोडा. What is the scientific name of washing soda? Sodium bicarbonate. Zero marks. Sodium carbonate. Excellent answer. Sodium carbonate. Okay. So let us see. Preparation of. Oh, boards are up here. Preparation of sodium carbonate. Okay. अभी बुक में नहीं लिखा है, फिर भी मैं आपको बताता हूं इस प्रिपरेशन मेथड के नाम को क्या बोलते हैं. So name of this method is called as Solvay's process. Solvay's process. The other name is ammonia soda method. Students, आपकी बुक टेक्सटबुक में नहीं लिखा है, ये अपने रेगुलर टेक्सटबुक में. तो अगर आप लोग नोटबुक लेके बैठे हो तो साथ में नोट डाउन करते जाओ कि मेथड का नाम क्या है. We are doing what? Preparation of sodium carbonate. The preparation of sodium carbonate is also called as Solvay's process. Or is also called as ammonia soda method. So, अभी याद कैसे करना है? इसके दो steps हैं. This reaction is carried out in two steps. बोलते दो steps पर ज़्यादा है. दिखा देंगे. Let us see. Step one. Now stop writing and pay attention properly. अगर ध्यान दिया जैसे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है? So we are going to react this with ammonia. अमोनिया में थोड़ा सा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करना है. यू हैव टू टेक व्हाट? अमोनिया. विद दिस यू हैव टू ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अमाउंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एज सून एज यू रिएक्ट विद अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यू विल गेट योर दिस अमोनियम कार्बोनेट NH4 twice CO3. तो अभी यहां पर बैलेंस नहीं हो रहा है ना, क्योंकि N2 हो रहा है. सो आई पुट योर 2. तो N2H6+2A2+8. सो बैलेंस. सो दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम कार्बोनेट. तो क्या आया यहां पर, एक और स्टेप दिखा दो फिर बोलता हूं मैं. नाउ दिस रिएक्टेंट, दिस अमोनियम कार्बोनेट इज फर्दर रिएक्टेड with excess of water and carbon dioxide and you get ammonium bicarbonate and you get ammonium bicarbonate. So let us see kya karna hai. You have to take ammonia and usme thoda sa water dalna hai. Water jaise hi add karenge, you have to pass carbon dioxide through it. Carbon dioxide gas pass out karna hai. As soon as you pass carbon dioxide gas through it, तो पहले क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट बनता है. This is NH4 अमोनियम, NH3 अमोनिया, NH4 अमोनियम, अमोनियम बाय कार्बोनेट. सॉरी अमोनियम कार्बोनेट बाय नहीं, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा.
इस अमोनियम कार्बोनेट में जब हम लोगों ने कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करना शुरू कर दिया है तो क्या बन जाएगा, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट, विल फॉर्म अमोनियम बाइकार्बोनेट। इट इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो हमें क्या मिलेगा, एज सून एज वी पास वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट वी गेट अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नाउ फर्दर दिस अमोनियम bicarbonate is further treated with sodium chloride, is further treated with sodium chloride. As soon as you react with sodium chloride, ye dekho yahan se ye bahar ho jayega, dhyan dena hai, theek hai, to kya hame kya milega, NaHCO3, this will form a precipitate and ammonium chloride, it will obtain in the liquid form. Matlab niche kya jam jayega, ammonium sodium bicarbonate, aur upar niche liquid rahega ammonium chloride ka. Again I repeat, what do you take first step mein kya lena hai, you have to take ammonia, water and carbon dioxide. As soon as you pass carbon dioxide through ammonia, what will obtain, you will get ammonium bicarbonate, nahi ammonium carbonate. This ammonium carbonate is further reacted with excess of carbon dioxide and water. Jaise react karenge excess of carbon dioxide and water, kya ho jayega, you will get ammonium, you will get what, ammonium bicarbonate. This ammonium bicarbonate is further reacted with what, sodium chloride. Jaise sodium chloride dalenge ye precipitate ho jayega NaHCO3 ko hum bolte hain sodium bicarbonate, या इसको बोलेंगे बेकिंग सोडा, जो आपने बोला था पहले, एंड अमोनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड हियर। अब इसे क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। जैसे फिल्टर करेंगे, नीचे ये फिल्टर के फॉर्म में मिलेगा और ऊपर टेस्ट ट्यूब के फिल्टर पेपर के ऊपर ये मिलेगा, जिसको हमने बोला था रेसिड्यू, याद है लास्ट ईयर, पेट्रोलियम रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट। सो दिस विल ऑब्टेन एज फिल्ट्रेट, दिस विल ऑब्टेन एज रेसिड्यू, प्रेसिपिटेट है नीचे। अब ये जो रेसिड्यू है सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी स्टेप टू स्टार्ट करेंगे। In the step two, this sodium bicarbonate is washed with distilled water. पूरा wash करेंगे अच्छे से, फिर filter करेंगे ताकि इसमें से impurity सब निकल जाएगा। फिर इसको strongly heat करेंगे round about at 300 Kelvin. As soon as you heat it at 300 Kelvin, what will happen? ये carbon dioxide release करेगा सबसे पहले, carbon dioxide and water release कर देगा, H2 हो जाता है यहाँ पर 2, and remaining is your answer, Na2CO3. You get your this? Na2CO3 आपको water and carbon dioxide release, तो हमें चाहिए यही था ना, तो हमारा इतना step हो गया, but एक और step करेंगे हम इसमें, we will do one more step, देखते क्या step करेंगे। हिरेन सर या कासट सर, कोई तो वेटिंग रूम में है, देखो ना 3 जन, 3 पीपल्स आर वेटिंग इन आउटसाइड द रूम, इफ दे आर ऑफ द क्लास यू कैन एडमिट देम। हो गया सर। So, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीप संकेत, दीप धीरे धीरे समझ में आएगा, आज ही ज्वाइंट हुए ना आपने, तो धीरे धीरे मैं वापस बताऊंगा पूरा प्रोसेस, वापस रिपीट करता हूँ, एक बार देख लेते हैं, लास्ट टाइम बताता हूँ फिर पूरा रिपीट करेंगे, आपको समझ में आएगा। दीप नया टॉपिक है, पहले से कोई लिंक नहीं है, नया ही टॉपिक है, अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान दो, धीरे धीरे हम लोग करेंगे, एक बार वापस चलते हैं, पहले लास्ट टाइम बताते हैं। अभी यहां तक हो गया, तो यहाँ पर दो रिएक्टर्स हैं, दो प्रोडक्ट्स हमारे पास, क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हमने क्या किया, हीट किया स्ट्रॉन्गली, तो क्या मिला हमको, सोडियम कार्बोनेट हमारा प्रोडक्ट मिल गया। अब ये जो बचा है अमोनियम क्लोराइड, इसका क्या करेंगे, दिस अमोनियम क्लोराइड यू हैव टू ट्रीट इट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लेट लाइम,
क्या बोलते हैं इसको? स्लेट लाइम. इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क ऑफ लाइम. मिल्क ऑफ लाइम बोलो इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो, या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं? स्लेट लाइम. जैसे ही रिएक्शन करेंगे ये कंबाइन हो जाएगा पहले CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड. सर कॉन्क्रीट? कॉन्क्रीट नहीं बनेगा, कॉन्क्रीट नहीं बनेगा, कॉन्क्रीट सीमेंट हो जाता है. कॉन्क्रीट में तो क्या आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट आता है ना. सर लाइमस्टोन को भी कॉन्क्रीट बोलते हैं ना. कॉन्क्रीट, हाँ, तो लाइमस्टोन ही कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना. लाइमस्टोन ही कैल्शियम कार्बोनेट होता है, करेक्ट है ना. लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है? CaCO3. लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3. यस सर. हम लोग बात कर रहे हैं स्लेट लाइम की. स्लेट लाइम का मतलब क्या हो गया? ये चूना है. चूना, चूना पता है ना? yes. चूने, हाँ ये चूना, तो वो लेना है. तो जैसे ही हम लोग इसको यूज करेंगे कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, तो CaCl2 हो गया ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा. अब ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा अमोनिया और ये बन जाएगा वॉटर. सो यू गेट योर इज अमोनिया एंड वॉटर. बैलेंस करेंगे 2-2 आ जाएगा, योर रिएक्शन इज बैलेंस. तो ये स्टेप क्यों किया अपन ने? ये स्टेप इसलिए किया क्योंकि स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट था ना, वाटर एंड अमोनिया, वो वापस रीजनरेट हो गया. मतलब हमको एक्सपेंस कम हो गया, हमको यहां से प्रोडक्ट आराम से मिल गया. तो पूरा प्रोसेस एक बार वापस रिपीट करता हूँ. दीप ध्यान से सुनना, कुछ समझ में नहीं आएगा तो वापस पूछ लेना, मैं वापस अच्छे से बता दूंगा, ठीक है? सो दीप बी रेडी, पे अटेंशन प्रॉपरली, नॉट ओनली दीप बट ऑल द स्टूडेंट्स. So today's our topic is, again I repeat properly, today's our topic is what? Preparation of sodium carbonate. Sodium carbonate is also called as washing soda. The method for preparation of sodium carbonate is called as what? Solvay's process या ammonia soda method. मतलब इसको बनाने का तरीका जो है उस process का नाम क्या है? Solvay's process. या फिर इसका दूसरा नाम है ammonia soda method. ये दोनों नाम टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, आपके जानकारी के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक्स्ट्रा बता रहे हैं. तो मेथड का नाम है सॉल्वेज प्रोसेस या अमोनिया सोडा मेथड, ठीक है? तो इसको लर्न कर, इसको बनाने के स्टेप्स कितने? 2 स्टेप्स है. पहले वाले में 3 रिएक्शन है, दूसरे वाले में 2 रिएक्शन है, इसे याद रखना है. टोटल 5 रिएक्शन, 3 रिएक्शन 1 स्टेप, 2 रिएक्शन 2nd स्टेप, ऐसे याद रखना, ठीक है? तो स्टेप 1 में क्या लेना है हमको? अमोनिया लेना है, NH3 अमोनिया. इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करेंगे. वी हैव टू पास आउट व्हाट? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसे टेस्ट्यूब रहेगी, ऐसे एक सिलेंडर रहता है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, वो नली लगाना है, पाइप लगाना है, और पाइप से क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डालना है. सो एज सून एज यू पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू अमोनिया, इट विल फॉर्म व्हाट? अमोनियम. NH4 इज कॉल्ड एज व्हाट? अमोनियम carbonate. It will form ammonium carbonate. This is NH3 ammonia. This NH4 twice is called as what? Ammonium carbonate. Now this ammonium carbonate is further reacted with water and carbon dioxide. मतलब continue करना है अपने को. Carbon dioxide डालना continue करना है. जैसे carbon dioxide और डालेंगे क्या बन जाएगा वो? Ammonium bicarbonate. तो first और second में फर्क क्या है? पहले वाले step में क्या बना? Ammonium carbonate बना है, और सेकेंड वाले में अमोनियम बाइकार्बोनेट, एच एक्स्ट्रा डाला है, वाटर डाला है ना, तो एच एक्स्ट्रा आ गया बस. अब आगे वाले स्टेप में क्या करना है कि जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है, अमोनियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या ऐड करेंगे अभी? सोडियम क्लोराइड. यू हैव टू ऐड व्हाट? सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक. दिस सोडियम क्लोराइड व्हेन रिएक्टेड इट विल रिएक्ट विद NaHCO3 बन जाएगा. ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको कर देना है तो आपको समझ में आएगा क्या बाहर निकलेगा. मतलब जैसे ही मैंने नमक डाला और शेक किया, स्टर किया थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट नीचे जम जाएगा और ऊपर एक लिक्विड मिलेगा, वो उसका नाम क्या हो जाएगा? NH4. NH4 का नाम बताया अभी आपको मैंने, अमोनियम सीएल क्लोराइड. सो नीचे एक जम जाएगा, जमने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रेसिपिटेट. इट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाट? सोडियम बाइकार्बोनेट. एंड यू एट द टॉप लेयर यू विल गेट अ फिल्ट्रेट of ammonium chloride, ठीक है? अब क्या करना है? एक फनल लेना है, उस पर क्या लगाएंगे हम लोग? बराबर है, क्या लगाएंगे हम उस पर?
फिल्टर पेपर और फिर क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। जैसे फिल्टर करेंगे ये जो अमोनियम क्लोराइड लिक्विड है ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा फिल्ट्रेट के फॉर्म में, और ऊपर क्या रह जाएगा, जो प्रेसिपिटेट है ना ऊपर क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म अ रेसिड्यू। हमने ये वर्ड पढ़ा था लास्ट, रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट, तो ऊपर जम जाएगा वो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट तो मिल गया, अब स्टेप टू में उसको कलेक्ट करना है सोडियम बाइकार्बोनेट को, इसको डिस्टिल्ड वाटर से पूरा क्लीन करना है। यू टू क्लीन इट विद व्हाट, डिस्टिल्ड वाटर। व्हाई डिस्टिल्ड वाटर ओनली, मिनरल वाटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि मिनरल वाटर के मिनरल्स जो है उसके साथ रिएक्ट कर देते थे तो अनवांटेड इंप्योरिटीज और आ जाता। डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ H2O ही रहता है। यस सर, रेसिड्यू और फिल्टर में मुझे डिफरेंस समझ में नहीं आया। रेसिड्यू का मतलब जो होता है जो फिल्टर पेपर के ऊपर रहता है, और फिल्ट्रेट का मतलब जो होता है जो नीचे आता है। सुपर उदाहरण, सिंपल एग्जांपल, चाय। चाय देखा है, चाय बनाते हो घर पे बेटा? यस सर, यस। हाँ, चाय जब बनाते हैं तो चाय को छलनी में छानते हैं, तो जो नीचे गिरता है वो चाय होता है, और जो छलनी में रह जाती है उसको चाय पत्ती बोलते हैं। तो उसको हम यहाँ पर केमिस्ट्री भाषा में, इंग्लिश भाषा में क्या बोलेंगे, जो नीचे चाय है लिक्विड फॉर्म में उसे हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, और जो ऊपर चाय पत्ती रह गई है उसे बोलेंगे रेसिड्यू। कल क्लियर? यस सर। हाँ, लास्ट ईयर ये वर्ड्स हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर वही हो गया, ये जो है ना प्रेसिपिटेट बन जाएगा, मतलब ये फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट होगा और ये नीचे ग्लास में गिरेगा। ठीक है, अब आगे, अभी जो प्रेसिपिटेट मिला है हमको इसे क्या करना है, डिस्टिल वाटर से प्योर वॉश करना है, अच्छी तरीके से डिस्टिल वाटर से वॉश कर देना है ताकि इसकी इंप्योरिटीज निकल जाएगी। एक दो वॉश करना है, वॉशिंग में इंप्योरिटीज निकल गई, उसके बाद क्या करना है, इसको स्ट्रॉन्गली हीट करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करना है, राउंड अबाउट एट 300 केल्विन। जैसे ही इसको हीट करेंगे, वॉइस इज ब्रेकिंग, नहीं मेरा वॉइस बराबर है, सबको सुनाई दे रहा है? आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाओ दीप संके, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाओ, आपका शायद नेटवर्क नहीं है ठीक से। अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसको स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, स्ट्रॉन्गली हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा एंड हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। तो सोडियम कार्बोनेट मिल गया, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, पर हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो फिल्ट्रेट बचा था हमारे पास स्टेप वन से, उस फिल्ट्रेट को क्या करना है, यू हैव टू पास इट विथ व्हाट, लाइम वाटर। उस फिल्ट्रेट को किससे रिएक्ट करना है, लाइम वाटर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मिल्क ऑफ लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। जैसे हम रिएक्ट करेंगे, अमोनिया एंड वाटर इज फॉर्म। यस सर, आप ये हमने अगर हीट पास करे ना, तो जब हाइड्रोजन अलग हो जाएगा उसके बाद कौन सा स्टेप करना है हमें, क्या क्या हीट पास हो जाएगा उसके बाद हाइड्रोजन निकल जाएगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बचेगा, उसके बाद क्या करना है हमें? हाँ, वो बच गया, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया वहां पर, बराबर है। हाँ, अभी जो हमारे पास फिल्ट्रेट बचा था नीचे, यस प्रेसिपिटेट तो यूज कर लिया, फिल्ट्रेट बचा है ना अभी ये। हाँ, अब इस फिल्ट्रेट को ट्रीट करना है विद व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। जैसे ही इस फिल्ट्रेट को ट्रीट करेंगे हम मिल्क ऑफ लाइम से, तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा अमोनिया एंड वाटर वापस रीजनरेट हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो खर्चा है फिल्ट्रेट को, सर फिल्ट्रेट को किसके साथ रिएक्ट करना है, ये मिल्क ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये जो फिल्ट्रेट मिला है ना अपने को स्टेप वन से, यस यस, उसको मिल्क ऑफ लाइम से रिएक्ट करना है वापस, मिल्क ऑफ लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों करना है ये, क्योंकि इधर तो मिल गया सोडियम कार्बोनेट, तो क्यों करना है, क्यों करना है, ताकि हमको अमोनिया और वाटर वापस रीजनरेट हो जाएगा। मतलब ये फेंकने वाली वस्तु थी ना, हमको कुछ जरूरत नहीं था इसका, वेस्टेज था, पर इस वेस्टेज से हमने अमोनिया क्या किया है, रीजनरेट कर दिया है, रिकलेक्ट कर दिया है, तो हमारा इसको बनाने का खर्चा कम हो जाएगा, एक्सपेंस विल बी रिड्यूस्ड। दैट्स व्हाई इन इंडस्ट्रीज दिस मेथड इज प्रेफरेबली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? यस। ओके, सबको समझ में आया? ओके, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, ये कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं अपने, हाउ विल यू कंफर्म दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, लाइम वाटर टर्न्स, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। बच्चे लोग इधर पूछ रहे हैं, अटेंटिव भी है, वेरी गुड, आई एम हैप्पी।
तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा प्रोसेस कंप्लीट, समझ में आया। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी एक क्वेश्चन है, यस करेक्ट है प्राची मिश्रा, राइट आंसर। अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं, पूछते नहीं मैं बताता हूं, क्वेश्चन भी बता दूंगा आंसर बताऊंगा। तो यूजिंग द सॉल्वेस प्रोसेस we cannot prepare potassium carbonate. Yes, Harish. Harsh. Yes, Harsh, what do you want to speak? Popping sound. Harsh, kya bola ise tula? Harsh, bariya. No, no. Galti shayad haath pe. Chalte. Popping sound aayega. नहीं, पॉपिंग साउंड नहीं, वो बराबर था, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। पॉपिंग साउंड था हाइड्रोजन गैस के लिए, प्राची जी, प्राची, पॉपिंग साउंड इज फॉर हाइड्रोजन गैस एंड लाइम वाटर टर्न मिल्की इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो नाउ कमिंग टू टॉपिक, दैट बाय यूजिंग द सॉल्वेस प्रोसेस वी कैन नॉट, अगेन आई रिपीट, वी कैन नॉट प्रिपेयर potassium carbonate. We cannot prepare potassium carbonate. नहीं, आंसर आपका रॉन्ग है, मैं बता दूं आंसर क्यों, देखते हैं। यहां पर, यहां इस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप का लास्ट रिएक्शन जो था, हमने डाला था सोडियम क्लोराइड, तो हमें मिला ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड डाला तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला। अगर इन प्लेस ऑफ दैट इफ आई एड पोटेशियम क्लोराइड, आई विल गेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट, बट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। इसका मतलब ये दोनों क्या बन जाएगा, मिक्सचर फॉर्म में बन जाएगा। And to separate them, it becomes again a difficult task, and hence potassium carbonate cannot be prepared by this method. चलो, मैं question पूछता हूँ वापस। Sir. Yes. Why potassium cannot get precipitate? हाँ, precipitate नहीं बन सकता है, क्योंकि क्या हो जाता है, उसका atomic size बड़ा है ना, तो वो क्या precipitate नहीं बनेगा, combine नहीं होगा उससे। और सर, प्रेसिपिटेट कब होता है, मतलब क्या ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट होता है? हमें अच्छा, हाँ, ये वो कॉन्सेप्ट। क्या नाम है आपका बेटा? अर्शिद आई थिंक, ना? नो, संजना। संजना, तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा आपको, बट आपको है ना इसके लिए 10th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर पढ़ के आना। 10th के थर्ड चैप्टर पढ़ाया था ना आपको? यस सर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है क्या? यस सर। हाँ, तो उसमें था ना ये सब कि प्रेसिपिटेट क्यों बनता है, क्यों नहीं बनता है। लेस आयन गेट रिएक्टेड विद पॉजिटिव आयंस एंड दे गेट प्रेसिपिटेट। नहीं, वो तो ठीक है, पर वो प्रेसिपिटेट क्यों बना, बाकी क्यों नहीं बने प्रेसिपिटेट, उसका क्वेश्चन वहां था आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर वहां से रीड कर दिया ना, नहीं आएगा मैं रिएक्शन में बताऊंगा आपको। संजना, टेंथ की टेक्स्ट बुक है ना, फेंकी तो नहीं है ना अभी तक? नो सर, नो। सो संजना, इन दैट थर्ड चैप्टर यू हैड दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमको आइडेंटिफिकेशन ही था कि अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो ही वो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमको वहां पर जो भी टीचर से बताया होगा कि ये प्रेसिपिटेट होता क्या है, बनता कैसे है, क्यों बनता है, बाकी सब क्यों नहीं बनाते, वहां पर थे सब डाउट्स क्लियर। देखो, आप एक बार रीड करो, रीड समझ में आएगा तो मैं आपको देख देख कर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है संजना जी? ओके, सो ओके, मितांश है क्या? मितांश आजा, ऑनलाइन स्पीकर ऑन करो, आपका माइक अनम्यूट करो। यस सर। हाँ मितांश, कैन यू स्पीक द आंसर नाउ, व्हाई पोटेशियम कार्बोनेट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेस मेथड? मितांश, ओके, निमिषा गिव द आंसर। निमिष,
निमिष है क्या? संकल्प, संकल्प गिव द आंसर. When ammonium bicarbonate is reacted with potassium chloride, we get potassium carbonate and ammonium chloride solution in a mixture form. हाँ तो हाँ but potassium bicarbonate do not form precipitate and they are forming in the because when reacted with KCl product is a mixture form right and Nimish Tule right answer correct so getting everybody तो एक बार आपस बताते हैं क्या question क्या था कि why potassium carbonate cannot be by solvents method तो आपको answer क्या लिखना है कि when ammonium bicarbonate is reacted with potassium chloride potassium carbonate is formed but it does not forms any precipitate with any precipitate but it forms a mixture with ammonium chloride which becomes difficult to separate and hence that we cannot prepare potassium carbonate by Solvay's process getting everybody done deep are you there deep karte tula ata samajh laga aaj ata deep हो का नहीं तरी संग कोण आया है का बाजूला दीप आया है का बाजूला बस लेक्चर करायला तुझ्या सर कैन यू प्लीज रिपीट बिकॉज देयर वाज एन एरर इन माय कनेक्शन हर्ष अभी सुनाई दे रहा है आपको आवाज आ रहा है हर्ष समीचा अरे वाह वेरी गुड दीप एक बार शॉर्ट में वापस बता दे हर्ष सुन लेना फिर मैं आगे चलता हूँ मेरा लेक्चर बहुत हाँ आई एम गोइंग वेरी स्लो कोई गाय नहीं आराम से करेंगे एक बार आप समझ लो सो वी आर स्टडिंग व्हाट सॉल्वेज प्रोसेस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज अमोनिया सोडा मेथड अमोनिया सोडा मेथड इट इज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन व्हाट सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा So first step में क्या करना है? You have to pass water and carbon dioxide through what? Ammonia. You will get ammonium carbonate. This ammonium carbonate when reacted with excess of water and carbon dioxide, you will get ammonium bicarbonate. Ammonium bicarbonate. This ammonium bicarbonate when reacted with sodium chloride, you will get sodium bicarbonate precipitate. A precipitate of sodium bicarbonate along with ammonium chloride. This precipitate is to be removed out. As soon as you remove out, you have to wash it with distilled water, heat it strongly, and you get sodium carbonate. The filtrate of the step one, ammonium chloride, you have to react it with what? Milk of lime, that is calcium hydroxide. You will get calcium chloride, an important product. Ammonia and water is regenerated. And this method is the best method for preparation of sodium carbonate. Okay. Now I'm turning towards the properties of sodium carbonate. Okay. All students mute your mic. Background का आवाज आ रहा है प्लीज म्यूट योर माइक जब मैं अनम्यूट करने बोलू तब आप कर देना अभी प्लीज म्यूट योर माइक क्योंकि बैकग्राउंड का आवाज बहुत आ रहा है पीछे से प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट का करेक्ट फॉर्मूला क्या है इट इज Na2CO3.10H2O Na2CO3.10H2O It is read as decahydrate. Decahydrate. So sodium carbonate is decahydrate. ये washing soda है हमारे सबके घर पे होता है बाथरूम में रखती है मम्मी इसको और मम्मी क्या करती है इसको एयरटाइट कंटेनर में रखती है She keeps in the airtight container. अगर एयरटाइट कंटेनर नहीं होता है तो क्या करती है पॉलिथिन बैग में रखती है पॉलिथिन बैग को अच्छे से बंद करती है डिब्बे में रखती है डिब्बे को भी लॉक कर देती है करेक्ट है क्यों बिकॉज This sodium carbonate it is having 10 water molecules. You are familiar. जब water molecules साथ में present होते हैं, तो
हम उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वी स्पीक एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. मतलब ये क्या है, क्रिस्टल्स फॉर्म में है. मस्त एकदम. अभी अगर इसको हीट किया, हमने हीट करेंगे, सनलाइट में एक्सपोज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा और बन जाएगा Na2CO3.H2O. मतलब 9H2O गया. When you heat it, it will lose water molecules. And this is called as decahydrate. एक है तो क्या हो जाएगा, it is called as monohydrate. It is called as monohydrate. कितना हीट करना है, you have to heat it round about 300 Kelvin. कितना हीट करना है, मैंने पहले हीट क्यों लिखा था, क्योंकि गलती से आप टेम्परेचर भूल गए, तो गलत टेम्परेचर नहीं लिखना है, हीट लिख सकते हैं. So, मुझे याद है तो मैंने 300 केल्विन लिखा, आपको याद नहीं है, भूल गए, तो डेल्टा डालो, ट्रायंगल का साइन. नाउ ऑन फर्दर हीटिंग यू हैव टू हीट मोर देन 300 केल्विन. 300 केल्विन से ऊपर लेके जाना है टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3+H2O. तो इसमें एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज सोडा एश. Clear? So what is the first property of this? First property kya ho gaya? That sodium carbonate when heated strongly at 300 Kelvin. Sir. Yes. Bolna. Boliye. Sir, wo aapne arrow ke baju mein kya likha hai? More than 300 Kelvin. More than. But 300 Kelvin se upar. सर पहले भी आपने 300 केल्विन किया, फिर भी 300 केल्विन, दो बार 300 केल्विन. नहीं नहीं नहीं, पहले कितने, एक मिनट, पहले कितना लिखा है, 300 केल्विन लिखा है. यस. और सेकंड स्टेप में क्या लिखा है, मोर देन 300 केल्विन, मतलब 300 केल्विन से ऊपर जा रहे हैं. पर सर प्रोडक्ट तो सेम ही है. नहीं, दिखा दो प्रोडक्ट में आपको वापस. रुको, ये ऐसे लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. यहां पर कैसा है, Na2CO3.H2O. डॉट एच टू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है अभी तक, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रेट. टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो मोनोहाइड्रेट है वो भी निकल जाएगा, पूरा सोडा एश बन जाएगा. क्लियर संजना जी? यस सर, क्लियर. ओके, सो व्हाट, व्हेन यू रिएक्ट इट एट अबाउट 300 केल्विन, इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल, इट फॉर्म्स. Many books are giving 300 Kelvin and some books are giving the temperature 373 Kelvin. So, अभी कौन सा follow करना है? मैंने दो तीन books में देखा था, तो old books में सब में 300 Kelvin है, but newly updated books है, in that you're having 373 Kelvin. So, we'll go with the 373 Kelvin only. 373 Kelvin का मतलब होता है 100 degree C. 373 Kelvin का मतलब होता है 100 degree C. 273 मतलब 0. ठीक है, तो विल गो विद 373 केल्विन ओनली. अर्लियर इट वाज 300 केल्विन. सो व्हेन हीटिंग एट 373 केल्विन, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, सब निकल जाएंगे, एक ही बचेगा. तो 10 है तो डेकाहाइड्रेट, एक है तो मोनोहाइड्रेट. टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, सोडा एश बचेगा. हम इसको हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, हवा लग गया है. ऐसा वर्ड यूज करती है मम्मी कभी, हवा लग गया है. तो अभी अपने घर पे है, हमें कैसे पता चलेगा ये हवा लग गया है या सोडा एश बन गया है? तो सिंपल टेस्ट है, आप सबने ट्राई भी किया होगा, सर्फ. आपके घर पे सर्फ है, सबके घर पे, थोड़ा सर्फ हाथ में ले लो और एक बाल्टी पानी में या एक जग पानी में हाथ डालो, क्या महसूस होता है, व्हाट यू फील स्टूडेंट्स, कमेंट स्टूडेंट्स, हैव यू ट्राइड एनीबॉडी, किसी ने ट्राई किया है? कोई नहीं बोल रहा है सर, इट बिकम एक्वो सॉल्यूशन. एक्वो सॉल्यूशन देखिए, आपको हाथ में फीलिंग क्या था, हाथ में फीलिंग क्या थी, वो पूछ रहा हूं मैं. सर स्मूदी एंड दैट ऑयली फीलिंग आता है, क्योंकि दैट इट मेल्ट्स ना सर. हां, ये हर्ष बारिया ने राइट आंसर बोला है. हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा गर्म लगेगा, थोड़ा हीटनेस महसूस होगी हाथ में. सजना जैसे होता है कि कभी आप सर्फ को कभी हाथ में पकड़ो और थोड़ा पानी भिगो दो, आपको हाथ में गर्म महसूस होगा. क्यों होता है गर्म महसूस, क्योंकि क्या हो गया, हीट रिलीज किया है. एक्शन इज व्हाट, एक्सोथर्मिक इन नेचर. ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसके पास. बट बहुत बार ऐसा होता है, सर्फ लेते पानी लगते कुछ महसूस ही नहीं होता है, सिर्फ चिप चिप महसूस होता है, क्योंकि सोपी टच महसूस होता है.
दैट शोज दैट उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो ही नहीं है ही नहीं, तो तब वो हो गया है सोडा ऐश। तो कपड़े का सोडा अगर आपके घर पे है तो ट्राई करो, थोड़ा पानी में हाथ में ले लो, पानी में डालो, आपको वीकनेस महसूस होगी, इसका मतलब उसके पास अभी भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। बट अगर आपने डाला है पानी में कुछ भी महसूस नहीं आ रहा, फील ही नहीं आ रहा है, सिर्फ हाथ में स्टिकीनेस आ रहा है, बेस से तो स्टिकीनेस आएगा ही, तो उसका मतलब क्या हो गया, सोडा ऐश हो गया, हवा लग गया। ठीक है, कैसे टेस्ट करना है, आपके घर पे जो सोडा है बेकिंग वॉशिंग सोडा वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में या एमॉर्फस फॉर्म में क्या करना है, पानी डालो, अगर वो आपको गर्म लगता है तो पेन वाटर मॉलिक्यूल्स है, नहीं लगता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसमें क्या है, सोडा ऐश है, पर थोड़ा सा हीट लग रहा है, मतलब एकदम हीट महसूस नहीं हो रहा है, नहीं के बराबर महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब वो मोनोहाइड्रेट। ये आपका टेस्ट है घर पे टेस्ट करने के लिए, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप गेटिंग एवरीबॉडी हियर, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी लेट अस सी। यस सर। हां ओके, विल मूव विद द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, दिस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 when reacted with water, when reacted with water क्या बनता है ये, it forms sodium bicarbonate and sodium hydroxide. Sodium carbonate when reacted with water, जो आपने बोला चिपचिपापन महसूस होता है, stickiness महसूस होता है, वो ये चिपचिपापन इसके वजह से, क्या क्योंकि क्या बनेगा वो, sodium hydroxide and sodium bicarbonate, base होता है, दोनों base आ, वो base आर alkaline in nature and hence they have got soapy touch. ये इससे soapy touch आता है. Clear? तो जब पानी में डालेंगे बनता क्या है, sodium carbonate and sodium hydroxide बनता है. So there's two properties of sodium carbonate washing soda. अभी uses कहाँ पर use होता है? नाम से ही पता चलता है washing soda है. So it is used to wash off clothes, especially in laundries. It is used to soften the hard water. Soften the hard water. What is hard water? Come on. Harsh, what is hard water? The water contains calcium and magnesium. The calcium and magnesium. Okay. आपको calcium and magnesium भी बोलना है, क्या बोलना है? Salts of calcium and magnesium बोलना है. ठीक है? To speak what? Salts of calcium and magnesium. It contains. तो अगर हमने इसमें सोडियम कार्बोनेट डाला तो क्या करेगा, उस कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, प्रेसिपिटेट बना देगा और हमारा पानी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। गेटिंग इट हियर? चलो, जनरल डेली लाइफ में अगर आपके पास हार्ड वाटर है आपको कैसे पता चलेगा यह वाटर हार्ड वाटर है? कम ऑन, कैसे पता चलेगा हार्ड वाटर है? जयेश, स्पीक जयेश। जयेश आएगा? Yes, sir. बोलो, कैसे पता चलेगा ये वाटर हार्ड वाटर है डेली लाइफ में? सर, हाँ बोल, बोलो बोलो बोलो। When we put our hands to that hard water, our hand become very rough to it. एक हाथ रफ हो जाता है, बराबर है, करेक्ट। We feel scratches on our hand. We feel stretches on our hand, correct. तीसरा, सिंपल सिंपल और सिंपल, ये राइट है, दोनों आंसर राइट है, और सिंपल, कपड़े धोते हो क्या कोई अपने घर पे? अभी तो लॉकडाउन है, मम्मी काम कराती होगी, लॉकडाउन में कपड़े धोए होंगे घर पे? हाँ, तो बोलो, अभी बोलो, कपड़े जब धोते हैं तो क्या हो जाता है हार्ड वाटर से? साबुन ज्यादा लगता है, साबुन ज्यादा लगता है, वो जो लिखा है ना, प्योर होता है ज्यादा। क्या 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 हुआ? पानी के ऊपर साबुन डालने पर फोम नहीं ज्यादा होता है, अप्योर। हाँ, कलर चेंज होता है। यस, लादर फॉर्मेशन नहीं होता है, फेस नहीं होता है, झाग नहीं लगता है, हम उसको सीधी भाषा में बोलते हैं साबुन नहीं लग रहा है कपड़े को, बराबर है ना? तो बराबर है, हार्ड वाटर के साथ सोप रिएक्ट नहीं करता है, सोप नॉट फॉर्म्स एनी लादर फॉर्मेशन। यस यस, स्पीक। आवर हैंड्स बिकम रफ। ये बाल भी कड़क हो जाते हैं अगर उस कड़क खाने से, तो है ना, बाल भी कड़क हो जाएंगे, करेक्ट है। सो व्हाट, हार्ड वाटर, तो ये सब आइडेंटिफिकेशन है, तो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करना है, तो वी कैन यूज व्हाट, सोडियम कार्बोनेट। तो ये हो गया अपना सेकेंड यूज। तो वी हैविंग फर्स्ट यूज इज, इट इज यूज इन फॉर वॉशिंग क्लोथ, सेकेंड यूज इट इज यूज टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर,
थर्ड यूज सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज, साबुन बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. देन इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर व्हाट, पेपर इंडस्ट्रीज, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्रीज. और अगर कुछ भी नहीं आया, आप भूल गए, तो क्या लिख सकते हो? इट इज यूज एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट. ठीक है, क्या लिखना है? इट इज यूज एज वॉट? लेबोरेटरी रिएजेंट. ओके, सो नाउ वी गो फॉर द सेकेंड सॉल्ट, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. कम ऑन, जब तक मैं बोर्ड पे नाम लिखता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप लोग मुझे इसका कॉमन नेम बताओ. सर बेकिंग सोडा. गलत जवाब. बेकिंग पाउडर. गलत जवाब. कॉस्टिक सोडा. एक्सलेंट आंसर, वेरी गुड. प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. नहीं दिख रहा है ना बोर्ड पर? बोर्ड थोड़ा कैमरा चेंज कर. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड कॉस्टिक सोडा. इज आल्सो कॉल्ड कॉस्टिक सोडा. इसका फॉर्मूला है NaOH. किसने देखा है रियल में कॉस्टिक सोडा कैसा होता है? Has anybody seen? No sir. कोई और किसी ने देखा है? ठीक है. कॉस्टिक सोडा दिखने में कैसे होता है? ये व्हाइट कलर का होता है. इट इज व्हाइट इन कलर और चिप्पी के फॉर्म में, चिप्पी चिप्पी मतलब फ्लेक्स, तो छोटे पतले पतले चिप्पी के फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर का होता है और एकदम चमकता हुआ होता है. चमकता मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें लाइट तो पास होती है पर आर पार नहीं दिखता है, इट्स कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट. तो वैसा होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड. So how to prepare this sodium hydroxide, let us see. Now we are going to study preparation of sodium hydroxide. So main aapko diagram ke hisab se padhata hu, to padhak se samajh mein aayega. Book mein diagram nahi diya. So let us see how to do this. ठीक है, सो आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम ऑन द बोर्ड. आई होप एवरीबॉडी कैन सी द डायग्राम प्रॉपरली. सो लेट अस स्टडी व्हाट वी हैव डन हियर. इज यू हैव टू टेक अ फर्नेस, एक फर्नेस लेना है. इस फर्नेस का नाम क्या है? कास्टनर कैलनर सेल, CASTNER, कास्टनर KELLNER, कैलनर सेल, कास्टनर कैलनर सेल लेना है, इस एपरेटस का नाम. In this, you have to take a solution of NaCl, aqueous solution, मतलब sodium chloride का water में dissolve करके solution बन जाता है, तो aqueous solution of sodium chloride. You have to take anode, cathode and anode as an electrode. ये जो cathode है, वो mercury का ही बना हुआ है itself. मतलब mercury आपको cathode की तरह लेना है. Anode is your carbon electrode. Carbon anode, mercury is your cathode. And you have to connect it. अभी जैसे electricity pass out करेंगे, ये decomposition हो जाएगा इसका. Sodium and chloride will decompose. This is called as electrolysis method. So electrolysis of sodium chloride carry out करना है.
तो Na प्लस है वो कैथोड के पास जाएंगे, Cl माइनस कैनोड एनोड के पास जा सकता है। अब आगे ये जो सोडियम आयन्स है, जैसे ही ये यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, दे विल रिएक्ट विद मर्क्यूरी। सो सोडियम आयन्स दे एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, बिकम सोडियम, देन रिएक्ट विद मर्क्यूरी एंड फॉर्म्स व्हाट, सोडियम Hg। Hg इस का एक एलोट्रोप होता है अमलगम, ये हमने 10वीं में पढ़ा था। तो मर्क्यूरी का एक एलोट्रोप है अमलगम, एंड हेंस इट फॉर्म्स व्हाट, सोडियम अमलगम। क्लियर? क्या क्या बना ये सोडियम अमलगम? अभी सॉरी सर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट अमलगम एलोट्रोप। वी हैव स्टडीड कार्बन, नेम द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन माय डियर स्टूडेंट्स, स्पीक द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। डायमंड फुलरेन फलरीन ग्रेफाइट, पर तीन आपको पता है, पांच है पर तीन आपको पता है। एक्सेलेंट आंसर, आदित्य ने आंसर दे दिया मेरे से पहले। क्या है दिस अमलगम इज सिमिलरली एन एलोट्रोप ऑफ मर्क्यूरी। जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स है, उसी तरह से मर्क्यूरी का एलोट्रोप एक है अमलगम। एलोट्रोप मुझे समझ में नहीं आता, एलोट्रोप का मीनिंग समझ में नहीं आता है। चलो आदित्य बला नहीं, एलोइंग प्रोसेस नहीं, हर्ष हर्ष व्हाट इज एलोट्रोप? एलोइंग प्रोसेस नहीं है, एलोइंग प्रोसेस रॉन्ग है। हर्ष व्हाट इज एलोट्रोप? डायमंड फुलरीन। अरे नाउ ना विचार ले रे बड़ा, डेफिनेशन डेफिनेशन। ठीक है मैं बता देता हूँ, टाइम कम है तो मैं बता देता हूँ। एलोट्रोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम कंपोजिशन, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, सच आर कॉल्ड एज एलोट्रोप्स। यस सर, थैंक यू। ठीक है, तो सिमिलरली अमलगम इज एन एलोट्रोप ऑफ मर्क्यूरी। तो सिंबल वही आएगा, जैसे कार्बन डायमंड ग्रेफाइट सबके लिए सिंबल सी ही आता है, तो क्योंकि एलोट्रोप्स है ना, तो उनके सिंबल सेम आएंगे। बोरॉन, बोरॉन के भी दो एलोट्रोप है, तो हम बोरॉन ब्लैक बोलते हैं, बोरॉन व्हाइट बोलते हैं, तो उनका सिंबल वही होता है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो यहाँ पर भी ये जो मर्क्यूरी है, इसका एलोट्रोप है अमलगम, ये सोडियम अमलगम बनेगा। एक बार आपस बताते हैं शॉर्ट में प्रोसेस क्या करना है। आपको एक फर्नेस लेना है, दीप आई तो है ना तू? हाँ बोला सर। मर्क्यूरी के अंदर ये एच अमलगम रहता है सर? नहीं नहीं, उसका एक पार्ट है, मर्क्यूरी का एक एलोट्रोप पार्ट है। मतलब सर उसके अंदर प्रेजेंट होता है, अगर Na उसके पास जाएगा तो वो Na अमलगम बन जाएगा, मतलब सोडियम। सो यस, सोडियम अमलगम बन, बराबर करेक्ट करेक्ट है आदित्य। ठीक है, क्या लेना है आपको? एक फर्नेस लेना है, फर्नेस का नाम क्या है? कास्टनर केल्नर सेल, मतलब कास्टनर और केल्नर ने मिलके ये फर्नेस बनाया था। अब इस फर्नेस में क्या लेना है आपको? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेना है। यू टू टेक द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, पास इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मर्क्यूरी एज अ कैथोड एंड कार्बन एज एन एनोड। एज सून एज यू पास इलेक्ट्रिसिटी, डीकंपोजिशन ऑफ NaCl टेक्स प्लेस, इट फॉर्म्स Na प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस। So Na plus ions moves towards the cathode and Cl towards the anode. Now Na plus ions further reacts with the mercury cathode to form mercury, that is to form sodium amalgam. So क्या बन जाएगा ये? Sodium amalgam. तो हमको बहुत सारा sodium amalgam यहाँ पर collect हो जाएगा। अब इस sodium amalgam का हमें क्या करना है? Hydrolysis करना है, मतलब water pass out करना है। जैसे pass out करेंगे water, ये water को ऐसे लिखते हैं NaOH. तो ये NaOH बन जाएगा, इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बचा है? मर्क्यूरी। तो जो मर्क्यूरी है वो रीजनरेट वापस मिल जाएगा। अब ये H है वो रिलीज हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ H2। H2 हो गया, सब जगह 2 डालो, रिएक्शन बैलेंस, एंड हेंस यू गेट योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस वे वी कैन इजीली प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट, समझ लिया, सबको समझ में आया? यस बोलो संजय। सर ये ना कॉन्सेप्ट जो आपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि डायनोल से जो मैच होता है उसके बाद आप जो केमिकल रिएक्शन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, सर वो मुझे कॉन्सेप्ट तक समझ में नहीं आया सर। मैंने बहुत कोशिश की बट नहीं आ रहा समझ में। नहीं नहीं संजना जी, तो स्टार्टिंग में लेक्चर लेट ज्वाइन किया आपने? यस सर।
अरे स्टार्टिंग में मैंने डायगोनल रिलेशनशिप बताया था आज सर, अब मैंने आपके लास्ट 3 लेक्चर्स देखे बस। नहीं नहीं आज का लेक्चर में वापस डायगोनल रिलेशनशिप पूरा बताया था आज, आज का। बट सर जो कांसेप्ट समझ में नहीं आ रहा सर, वो क्या है कांसेप्ट? ठीक है मैं वापस आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से वापस। मुझे इतना पता है कि जो डायगोनल को मतलब लिथियम और मैग्नीशियम है वो डायगोनल से मैच होते हैं, तो उसके जो प्रॉपर्टीज रहते हैं वो सेम होते हैं। समानता क्या है, क्यों वो डायगोनल रिलेशनशिप है, तो उनकी जो दोनों प्रॉपर्टीज ठीक है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ओके सर ठीक है। स्टूडेंट्स वी स्टॉप द लेक्चर हियर, वी एंड द लेक्चर हियर, प्लीज रिवाइज एट होम अगेन। Tata, bye bye, see you all. Any doubts, then you can text me or text Chirag sir, Kasar sir, Iren sir. Sir, you all can give attention to the students. Kasar sir. Yes, sir. Thank you, sir. Everyone, thank you. Bye bye. Bye bye, everyone. Yes. कल है ना मैथ्स का लेक्चर नहीं है, कल मैं फिजिक्स लेने वाला हूँ। All students, please remember. Tomorrow there would be a physics lecture. But in timetable we had given you maths ka lecture ka, but there is physics in our dimension. Okay, thank you, bye bye. I'm not sure you repeat it on a back teacher. Bye. So there you see. Bye everyone. Bye bye students. Bye bye. Bye. Y'all can leave the meeting students. Bye bye everybody. হার্দিক ভাই গন্ত নাকি लिंक बाय 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 एवरी वन गुड गुड बाय टेक केयर वेदिका बाय Deep bye. Now you can write मध्ये option है बग leave मधून. You don't leave करू शकतो. ओमकार प्राची संकल्प take care bye bye. Hiren sir we can end the meeting now. Hiren sir. हाँ sir end करो. Thank you. Bye bye everyone.